आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी,
अरुणा ईरानी और फरहान नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास
जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता है। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी,
रोना ईरानी और फरहान नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह हनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह हनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह हनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह हनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह हनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह हनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह हनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह हनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी,
अरुणा ईरानी और फरहान नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास
जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता है। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह नास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी,
अरुणा ईरानी और फरहान नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी,
अरुणा ईरानी और फरहान नास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब
अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास
से सहायक भूमिका में वाले अभिनेता है। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराहनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराहनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह गरीब अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।
आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है। आज मैं आपको मुकाबला मूवी की कहानी, मुकाबला मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। मुकाबला 1993 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे टी रामा राव द्वारा निर्देशित किया गया था। गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ फराह अनास और आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म में काम किया है। अन्य कलाकारों में भी फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी और फराह अनास जैसे सहायक भूमिका में वाले अभिनेता हैं। फिल्म को 1992 में बनी हुई पुलिस ब्रदर्स फिल्म की आधिकारिक रिमेक माना जाता है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है, सूरज और दीपक, जो कि अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वही पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपनी गरीब जीवन शैली में भी खुश है। अपने पिता उसे हमेशा यह सिखाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हमेशा ही ईमानदार रहना है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आगे चलकर पैसा कमाने के लिए वह दोनों शहर आते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस बल में काम भी मिल जाता है। सूरज ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वाघमारे उसे डांटता भी है।